हाय, मदर एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। अगर आपके नॉर्मल डिलीवरी में टांके आए हैं तो जिस प्रकार से मैं अभी आपको देखभाल करने के लिए बताने वाली हूँ, अगर आप ऐसे केयर करते हो तो गारंटी है आपके टांके में जो है पस है वो नहीं पड़ेगी, आपके टांके पकेंगे नहीं, आपके टांके है वो खुलेंगे नहीं, और आपके टांकों में जो दर्द है, लालिमा है, स्वेलिंग है, वो बहुत ही जल्दी है वो चली जाएगी। तो क्या क्या काम आपको करने चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के टांके जब तक ठीक नहीं हो जाते, और क्या काम है वो आपको बिल्कुल जो है अवॉइड करनी चाहिए, और किस कंडीशन में आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो अगर आपके नॉर्मल डिलीवरी में टांके आए हैं तो इन टांकों को ठीक होने में 20-22 दिन लगते हैं, अगर आप अच्छे से देखभाल करते हो तो। मैक्सिमम आपका एक महीना लग सकता है, एक महीने के अंदर आपके टांके हैं वो सारे टूट के गिर जाते हैं, आपके टांकों का दर्द है वो भी चला जाता है, और ये टांके जो है सेल्फ डिजोल्व होते हैं, यानी खुद से टूट टूट कर गिरते हैं। इन टांकों को कटवाने की जरूरत है वो नहीं होती है, डॉक्टर इनको कट नहीं करते हैं, ये खुद ही जो है मेल्ट होकर अपने आप टूट के गिर जाते हैं। ये टांके एक साथ टूट के आपको नहीं गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आपके टांके आए हैं और दो दिन बाद ही आपके टांके टूट टूट के गिर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके 3-4 दिन के अंदर ही टांके गिर रहे हैं तो इसका मतलब वो खुल रहे हैं, वो गिर नहीं रहे हैं। आपके टांके जो है 7-8 दिन बाद जो है गिरना शुरू होते हैं, वो एक राइट वे होता है आपके टांकों का ठीक होने का। अगर इससे पहले अगर आपके टांके खुले हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको देखभाल कैसे करनी है। पहली आपने करनी है कि आपको गुनगुने पानी से सिकाई करनी है, या आप एक तसला ले सकते हो या फिर एक टब में आप जो है पानी डाल के उससे सिकाई कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा डिटोल आपने डाल लेना है। गुनगुना पानी क्या करता है, आपके टांकों में जो लालिमा है, जो स्वेलिंग है, उसको बहुत जल्दी ठीक करता है। आपके टांकों में जो हार्डनेस है, जो टाइट पेन है, वो ठीक हो जाते हैं, आपके टांके थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके टांके थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो आपका जो दर्द है वो भी आपको कम महसूस होता है, और गुनगुना पानी है उससे आपकी सिकाई होने से आपको जो पेन है वो भी कम महसूस होता है, और डिटोल उसमें डालते हो तो आपको बैक्टीरिया वगैरह होने का डर भी नहीं रहता है। और आपने दिन में कम से कम जो है 2 बार गुनगुने पानी से आपने सिकाई करनी है, और एक बार में कम से कम जो है 20-25 मिनट आपने सिकाई जरूर करनी है। दूसरी हम बात करते हैं कि आपके टांकों में जो नमी है वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, मॉइस्चराइजर है वो आपके टांकों में नहीं होना चाहिए। जब भी आप नहाते हो अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट को टैप ड्राई करना है, तौलिए से या फिर टिश्यू पेपर से अच्छे से उसको थप थपा के जो आपने सुखाना है, सूखने के बाद ही आपने पैंटी है वो पहनी है, आपकी पैंटी सूती मुलायम और सॉफ्ट आरामदायक जो है वो आपकी होनी चाहिए। आपके टांकों में नमी ना रहे इसके लिए आपने हर 4-5 घंटे में आपका जो पैड है वो आपने चेंज कर लेना है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद या फिर कोई भी डिलीवरी हो, आपके जो है ब्लीडिंग होती है तो आप लंबे टाइम तक अगर पैड चेंज नहीं करते हो तो आपका पैड है वो पूरा गीला हो जाता है और आपके टांकों में भी नमी बनी रहती है। अगर आपके टांकों में नमी बनी रहेगी तो आपके टांकों में पस पड़ने की संभावना हो सकती है, आपके टांके जो है वो पकने की संभावना आपके हो सकती है। थर्ड है, आपने टांकों को थोड़ा सा एयर ड्राई करना है, यानी आपके टांकों में थोड़ा सा हवा का आदान प्रदान अगर आप दे सकते हो, पॉसिबिलिटी है तो वो आपको करना है। जैसे कि आप अपने रूम में अच्छे से कुंडी वगैरह लगा दीजिए और 15-20 मिनट के लिए आपने जो है पैंटी निकाल देनी है, तो आप एक ड्राई सीट है वो अपने बेड के ऊपर बिछाइए, उसके ऊपर एक जो है पैड रखिए ताकि हल्की फुल्की अगर ब्लीडिंग होती भी है तो पैड पे गिर के रह जाएगी, आपकी बेडशीट है वो खराब नहीं होगी। तो ऐसे आप अगर थोड़ी सी हवा लगाते हो तो भी आपके टांके हैं वो जल्दी ठीक होते हैं। अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। फोर्थ चीज का जो ध्यान रखना है वो है कि आपने मेडिसिन लेनी है, आपके डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दी होगी वो आपको लेनी है, आपको पेन किलर लेनी है, क्योंकि कुछ समय तक आपको दर्द ज्यादा होता है तो आपको दर्द निवारक दवा है वो आपको लेनी है। आपके डॉक्टर ने आपको ऑइंटमेंट दी होगी, एक ट्यूब दी होगी, मोस्टली हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने सोफ्रामाइसिन दी होगी, तो वो आपने अपने प्राइवेट एरिया पे जो है अप्लाई करनी है। दिन में 3-4 बार आपने जो है टांकों पे लगानी है, या तो आप एक छोटा सा मिरर लीजिए उसकी से आप खुद लगा सकते हैं, नहीं तो आपके हस्बैंड से लगवा सकते हैं, या फिर मम्मी वगैरह है, कोई सिस्टर वगैरह है, उनसे भी आप जो है लगवा सकते हैं।
पांचवी चीज है जो बहुत ही जरूरी है, कुछ लोग इस चीज की साइड ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि संतुलित आहार लेना। एक अच्छी डाइट लेते हो आप डिलीवरी के बाद तो भी आपकी रिकवरी है वो बहुत ही जल्दी होते हैं। आपको 5-7 दिन है वो आपको हल्का खाना खाना है, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 वीक बाद से आप कोई भी खाना खा सकते हो। आप दाल है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, किसी टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हो। जितना आप अच्छे से खाना खाओगे उतने ही जल्दी आपके टांके हैं वो ठीक होते हैं। अब वो काम जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए जब तक आपके टांके हैं वो ठीक नहीं हो जाते, नहीं तो आपके टांकों में किसी भी प्रकार की परेशानी है वो आपको आ सकती है। पहला है कि आपको आलथी पालथी मारकर नहीं बैठना है, यानी चौकड़ी मारकर आपको नहीं बैठना है। आपके टांके हैं इससे खुल सकते हैं। आपको टांगे चौड़ी करके चलना भी नहीं है, टांगे चौड़ी करके आपको बैठना भी नहीं है, इससे भी आपके टांके हैं वो खुल सकते हैं। आपने अपने प्राइवेट एरिया में किसी भी प्रकार का साबुन है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जब तक आपके टांके ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको जो है फिजिकल नहीं होना है, यानी आपको सेक्स वगैरह है वो आपको अवॉइड करना है। आपको कब्जी है वो भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके टांकों में ज़्यादा दर्द होगा, आपके टांके खुलने का भी जो है चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थी कुछ बातें जिनका आपने ध्यान रखना है, और भारी वजन है वो भी आपको नहीं उठाना है। वैसे तो अगर आप ऐसे केयर करते हो तो आपके किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आती है। अनफॉर्चुनेटली अगर फिर भी अगर आपके टांकों में 1 महीने बाद तक भी अगर आपके टांकों में दर्द है या फिर लालिमा है तो आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपके टांकों में पस है, मवाद पड़ गई है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके टांकों में पस पड़ी है? तो आपको सेल्फ एग्जामिन करने हैं, जैसे कि हर 2-3 दिन में आपको अपने मिरर की हेल्प से टांकों में देखना है कि पस वगैरह तो नहीं पड़ी है, या फिर आप अपने हस्बैंड वगैरह को आप दिखा सकते हो। तो अगर आपके पस पड़ गई है टांकों में तो तुरंत आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना होता है। आपके डॉक्टर उस पस को जो है रिमूव करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। अगर आप उस पस को नहीं निकलवाते हो तो आपके टांके जो है ठीक होने में पता नहीं कितने महीने लग जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो भी आपकी हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।